हे गाइस, दिस में हसन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज बेसिकली थोड़ा अलग वीडियो बनने जा रहे हैं। ये काइंड ऑफ ब्लॉग होगा बेसिकली। तो मैं पहली बार बॉयल चिकन बनाने जा रहा हूँ। मैं किचन में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत मम्मी को हेल्प करता था। बट अभी यहाँ पे पहली बार बॉयल चिकन बनाने जा रहा हूँ, जो कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो मैं असम से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे बहुत ज्यादा बॉयल चिकन खा चुका हूँ, कभी बनाया नहीं। पहली बार बॉयल चिकन बना रहा हूँ और वो भी आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा फ्रेंड है जो थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा, बट उन्होंने ना बॉयल चिकन खाया है ना कभी बनाया है। तो जो भी हो, कैसा होगा पता नहीं, बट वी विल से दैट इट इज वेरी यम्मी और टेस्टी डेफिनेटली। ओके, तो आपको दिखाऊंगा, डिटेल्स प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाना है क्या नहीं, तो आप थोड़ा बहुत सीख लोगे। और मैं आपको बोल दूं, बॉयल चिकन बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। चाहे जितना भी एथलीट हो, बॉडी बिल्डर लोग हो, वो लोग हमेशा बॉयल चिकन ही खाता है। बॉयल चिकन आप जितना खाओगे, इतना ज्यादा आपका एनर्जी ज्यादा रहेगा और डिजीज होने का पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाता है। क्योंकि हमारा जो भी डिजीज होता है ना, मोस्ट ऑफ द डिजीज फ्रॉम एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड दैट्स कम फ्रॉम मसाला एंड ऑल अदर थिंग्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। सो इट्स बेटर दैट यू शुड हैव बॉयल्ड फूड। आई विल टीच यू हाउ टू मेक। ओके, वॉच द वीडियो टिल गाइस। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारा जरूरत का सामान है सब कुछ रेडी कर लिया। तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूँ कि सामान क्या क्या चाहिए। तो ये सब है जो हमको चाहिए होगा, और उनमें से मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्या है। हालांकि आप जान लिया होगा, ये है ओनियन, जो दो पीस ओनियन आप ले लो, छोटा साइज का हो जाएगा। उसके बाद ग्रीन चिली लिया। ग्रीन चिली अगर ज़्यादा तीखा है तो कम लेना है, कम तीखा है तो ज़्यादा लेना है। और ये हो गया हमारा टोमाटो, दो पीस टोमाटो लिया। आप एक पीस भी ले सकते हो, और इसको आप अलग स्टाइल से भी कर सकते हो। इफ़ यू बॉयल लिटिल विद दिस वन एंड यू ट्राई टू रिमूव द आउटर पील, देन ऑल्सो यू कैन यूज डेट वे, और दिस वे ऑल्सो यू कैन यूज। फिर हमारा पोटैटो हो गया। पोटैटो एक पीस ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि दोस्त को पोटैटो पसंद नहीं है। आपको पसंद है तो दो पीस भी ले सकते हो। ये हो गया हमारा कैप्सिकम, और ये हो गया करियंडर। करियंडर एट द एंड देना है, और आपको ज़्यादा नहीं देना है, जब बन जाएगा एट द एंड आपको करियंडर डाल देना है। तो यहाँ पे और थोड़ा कुछ, क्योंकि बॉयल चिकन में कोई भी किसी की भी तरह का पाउडर मसाला यूज नहीं किया जाता, तो ये सब चीज़ें हमको लेना है। अगर आप मिक्सी में इसको एक साथ ग्राइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने क्लोव लिया। क्लोव अब एक दो पीस और कम भी ले सकते हो, हमने ज़्यादा ले लिया। और ये इलायची दो पीस सफिशियंट, ये डालचीनी थोड़ा सा, और ये वाला क्या है मुझे नाम पता नहीं है, बट हम लोग यूज़ करते हैं। मेरा रूममेट को तेलुगु नाम पता है, बट इसका हिंदी नाम पता नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। बाकी चिकन लिया। चिकन 600 ग्राम है, दो लोगों के लिए इतना काफ़ी होता है। हम लोग कभी कभी एक केजी भी खा देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप अपना हिसाब से चिकन ले लेना, और बाकी चीज़ें जब बन जाएगा धीरे धीरे हम आपको दिखाते रहेंगे। हे गाइस, तो हमने वाटर को बॉईल कर दिया, जो कि हमारा पहला स्टेप होता है। वाटर को बॉईल करना होता है। वाटर अपना हिसाब से ले लेना, ज़्यादा मत लेना, थोड़ा बहुत वाटर ले लेना, और उसको अच्छी तरह से बॉईल आ जाना चाहिए। और उसके बाद हम एक एक इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो ये है मेरा फ्रेंड, हाय बोलो, जो कि मुझे हेल्प करने जा रहे हैं। हालांकि वो ही है हमारा मास्टर शेफ, बट कोई नहीं, आज मैं थोड़ा टिप्स दे रहा हूँ। तो हम लोग वहाँ पे जिंजर नहीं दिखाया था, इसका मतलब ये मत सोचना वी आर नॉट गोइंग टू ऐड जिंजर। जिंजर इज द मोस्ट एसेंशियल वन। तो जिंजर का पेस्ट बना के रखा है हमने, तो जिंजर का पेस्ट डालेंगे। तो डालो, तो हम जिंजर का पेस्ट डाल देंगे, और बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे डालेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। ये हो गया, जिंजर का पेस्ट हमने डाल दिया। आई थिंक दिस मच एनफ, लिटिल बिट मोर, या इतना सफिशियंट है। और चीज़ें धीरे धीरे हम अभी डालेंगे। और सबसे अच्छा बॉयल चिकन बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें आपका एक एडवांटेज ये रहता है कि बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा वहाँ से सूप लेके टेस्ट करके देख सकते हो कि सही बन रहा है कि नहीं। ये हम लोग ऑनियन ऐड कर दिया। चिली, ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं। कैप्सिकम में ऐड कर रहे हैं, जो कि थोड़ा एक ही लिया था हमने, इतना सफिशियंट है। उसके बाद पोटैटो आ गया हमारा। आलू, आलू तो हमारा रहता ही है,
नॉर्थ ईस्ट का लगभग हर फूड में जो भी हम लोग बनाते हैं उसमें आलू रहता है। आलू काफी अच्छा भी है, खाना चाहिए। एंड उसके बाद क्या करना है, मीट डालेंगे। फ्राई करना है, फ्राई के लिए टाइम होगा, थोड़ा रख दो। अब हम लोग मीट डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे सॉल्ट। सॉल्ट होता है स्वाद अनुसार, तो आप सॉल्ट ज़्यादा दे दोगे तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, और बिना सॉल्ट होगा तब भी नहीं होगा, तो इसको आप काफ़ी ध्यान रखना है। अब हम इसको कवर कर देंगे अच्छे से, थोड़ा मिक्स करके इसको अभी कवर कर देंगे फॉर 20 मिनट्स। तो 20 to 25 मिनट्स में हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ये सब जो थोड़ा बहुत मसाला था ये भी डाल दे रहे हैं, बट देर इज नो एनी पाउडर मसाला। ओके, अब इसको हम लोग कवर कर रहे हैं फॉर अप्रोक्स 20 मिनट। 20 मिनट बाद आपको दिखाते हैं कि क्या, कहाँ तक हम लोग पहुंचा है, अपना जो भी ये मिशन है, मिशन टारगेट कहाँ तक पहुंचा है वो दिखा देंगे। तो हम लोग फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया और 20 मिनट तक ऐसे रहने देंगे। हाँ गैस, तो लगभग 20 मिनट तक हमने हाई फ्लेम में बॉईल कर लिया है। तो ये देखो काफी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे टमाटो डाल देंगे और कोरिएंडर एट द एंड डालेंगे, अभी नहीं चाहिए। टमाटो अगर आप पहले डाल देते हो तो प्रॉब्लम ये होता है कि टमाटो पूरा पिघल जाएगा, ठीक है ना, तो पूरा खट्टा खट्टा लगेगा, तो खट्टा नहीं खाना है हमको, तो टमाटो को हम इसलिए लास्ट में डालना है। और लास्ट 5 मिनट रहने का टाइम में कोरिएंडर हम ऐड कर देंगे इसमें। आप देख सकते हो काफी अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो गया, और जितना भी इंग्रेडिएंट है बेसिकली चिकन में या फिर जो भी सब्जी है उसका जो भी इंग्रेडिएंट है वो सूप में आ गया, तो इट विल बी अमेजिंग। बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, कोई भी मसाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लगभग बन गया है, लास्ट पार्ट हम आपको फिर से दिखाते हैं और खाने के टाइम में भी दिखाएंगे कैसा टेस्ट हुआ है। हम आपको जेन्युइन रिकमेंड, क्या बोलते हैं, रिव्यू देंगे। हे गाइस, तो हमारा मिशन ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है, लास्ट पोर्शन में आ गया मिशन का। तो यहाँ पे हम लोग कोरिएंडर ऐड कर देंगे। ये देख सकते हो आप लोग, चिकन काफी पिघल गया है, सब कुछ मस्त बन गया है, और जो वाटर था ना वो हमारा सूप जो था वो पूरा कलर हो गया। डेट मीन्स वहां पे जो भी बाकी चीज था, चाहे वो पोटैटो से हो, टमाटो से है, सब कुछ निकल के आ गया है, काफी अच्छा सूप होने वाला है। और मैं आपको बोल दूं, जब भी किसी लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, चाहे वो डाइजेशन इशू हो या फिर कुछ भी हो, और कुछ लोग जो थोड़ा बहुत बीमार रहता है उनको आप ये सूप देना, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है ये सूप। ये सूप आप उनको कभी भी दे सकते हो, चाहे चिकन ना खाए, सूप खाए, क्योंकि सूप में सब कुछ आ चुका है। अब हम लोग कोरिएंडर ऐड कर देंगे। कोरिएंडर ऊपर से धीरे से ऐड कर देंगे, दैट विल इंक्रीज द फ्लेवर ऑफ दिस आवर डिलीशियस डिश, दैट इज बॉइल्ड चिकन नॉर्थ ईस्ट स्टाइल। तो बस हो गया है। अब हम लोग खाने के बाद फिर से बोलते हैं या फिर खाने के टाइम में थोड़ा दिखाते हैं। हाँ गाइस, तो हम लोग अभी खाने के लिए तैयार है, चीजें बन चुका है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ इतना टेस्टी बना है सब कुछ, ये है। और हम लोग थोड़ा थोड़ा ले लिया एंड अभी हम लोग खाएंगे, और खाने के बाद लास्ट में हम आपको बोलते हैं कि किस तरह से हुआ है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेस्ट हुआ है, हमने थोड़ा सा टेस्ट कर ही लिया, और आपका भी मुंह में पानी आ रहा होगा, बट कोई नहीं है, अभी आप सीख गए होंगे, तो आप देख के फिर से वीडियो देख के बना के खा सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और एट द एंड हम लोग बोलेंगे कि टेस्ट कैसा हुआ, ठीक है ना।
हे गाइस, तो हम लोग ऑलरेडी खा लिया है, अभी अभी खाना खत्म हुआ है, बहुत ज्यादा टेस्ट हुआ है। तो मैं, ये मेरा तेलंगाना का फ्रेंड है हैदराबाद का, तो वो फर्स्ट टाइम खाया है, तो उसको उसके उससे रिव्यू लेंगे ताकि जेन्युइन रिव्यू मिले। हम लोग तो खाता रहता है, तो हमारा तो ये कॉमन है, हम नॉर्थ ईस्टर्न है, तो हमारा आदत बन चुका है, तो उससे मैं रिव्यू लूंगा। तो कैसा था? हाउ इज इट? फर्स्ट गुड। गुड ना? ओके, यू वांट टू टेस्ट अगेन? ओके ओके, डेफिनेटली यू विल गेट सम मोर बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टे टुगेदर। ओके सो गाइस, इतना ही था। अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो लाइक एंड शेयर कर दो, ठीक है ना? और आप ऐसा डिश बना के कभी भी खा सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत सीख हो या फिर आपको फीवर आया है, जब हर चीज तीखा तीखा तो नहीं, कड़वा लगने लगता है हमारे टाइम में, फीवर के टाइम में, तब भी आप ये टेस्ट कर सकते हो। इसका सूप टेस्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। घर में कोई एल्डर लोग है ना, थोड़ा एज वाला, वो लोग को भी ये सूप दे सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, एंड वील मेक दिस टाइप ऑफ वीडियो अगेन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।